पंजाब प्रांत के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह दिनांक 30 सितंबर आगरा पहुंचे। हरभजन सिंह ऊर्जा मंत्री ने गुरुद्वारा गुरुकताल आगरा में मत्था टेक कर गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा गुरुकताल के संत बाबा प्रीतम सिंह ने ऊर्जा मंत्री पंजाब हरभजन सिंह का केसरिया दुपट्टा पहना कर स्वागत सम्मान किया। आम आदमी के नेता हरभजन सिंह ने आम आदमी की तरह गुरुद्वारा गुरुकताल पर प्रसादी ग्रहण की। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पंजाब और दिल्ली सरकार की तरह सीएम योगी बाबा उत्तर प्रदेश में भी बिजली फ्री कर सकते हैं। गुलामी के प्रतीक इंडिया के सवाल पर पंजाब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इंडिया हमारा गौरव है, बाबा साहब ने संविधान में इंडिया को भारत लिखा है। बाबा साहब के संविधान से देश की 140 करोड़ जनता सुरक्षित और स्वतंत्र है। आगामी लोकसभा चुनाव में अलायंस इंडिया भाजपा को रोकने का काम करेगी और देश में भाईचारा कायम होगा। सबसे पहले तो मैं गुरुद्वारा दक्षिण मार्ग गुरु का काम साहब के दर्शन के लिए आया हूँ। हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर गुरु साहब के दर्शन के लिए आई है। हमें बहुत अच्छा लगा है इस स्थान पर हमने देखा देखा और गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त किया। जो आप बिजली की बात कर रहे हो, हमने पंजाब में तो तब से हमारी सरकार बनी है, हमने हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मार्च 2022 में सीएम पद की शपथ ली थी और हमने मात्र 3 महीनों में हमने जुलाई 2022 से बिजली पंजाब में 600 यूनिट हर किसी को फ्री कर दी हुई है। हमने किसी भी तरह का कोई उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया कि किसी का बोर्ड कितना होगा या किसी की आमदन कितनी होगी, किसी का कोई कास्ट क्या होगी या किस कम्युनिटी को बंद होगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। और हमने 600 यूनिट बिजली और पंजाब के लोगों के 90% से ज़्यादा के बिजली के बिल जीरो हैं और किसी भी तरह की कोई बिजली सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन नहीं होती, अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई जो है पंजाब के लोगों को दी जा रही है। योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहिए, योगी सरकार नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश में लगातार क्यों नहीं कर पा रहे, क्या सलाह कर पा रहे हैं, क्या सलाह देना चाहिए योगी के, योगी नहीं कर पा रहे हैं ऊर्जा मंत्री छोड़िए। तो यही कहूँगा कि जो लोग गरीब हैं जो कम बिजली खपत करते हैं सभी के घर रोशन आने चाहिए। जब बिजली नहीं मिलेगी तो कई ऐसे लोग भी होंगे जिसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। सो बिजली एक बेसिक नेसेसिटी है, आज हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ये तो सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बिजली फ्री को जैसे पंजाब में हम 600 यूनिट दे रहे हैं, दिल्ली में भी हमने बिजली फ्री कर रखी है। सो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि पूरे देश में ऐसे बिजली फ्री मिलनी चाहिए। और जो लोडमंद लोग हैं जो जबकि जो बिल पे नहीं कर पा रहे उनको बिजली अवश्य ही फ्री मिलनी चाहिए। गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि इंडिया का इंडिया जैसे ही नाम रखा गया है इंडिया ही नाम गलत लगने लग गया। आप नहीं 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 इंडिया बहुत अच्छा नाम है, हमारा गौरव है इस नाम पर। तो जहाँ तक वो गठबंधन का है वो जो भी हमारी हाईकमान देखेगी सभी राजनीतिक दल उसमें जो भी फैसला लेंगे सामंजस्य बनता दिख रहा है। मंत्री जी घटक दल के जो क्या लग रहा है गठबंधन मजबूत होगा और जिस तरीके से मनभेद चल रहे हैं क्या लगता है मनभेद समय इस समय हमें जरूरत है भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने की, इसमें बहुत जरूरत है क्योंकि जो संविधान हमें बाबा साहब जो बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया था उस पर उनमें बहुत समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और वो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सेटअप जो दिए हैं वो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो उसके तरफ ध्यान देना चाहिए, इस समय बहुत ज़रूरत है कि हमें जो हमारा देश है वो उस संविधान के अनुसार डेमोक्रेटिक सेटअप से चलना चाहिए।